हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में जो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसी के रिगार्डिंग अब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 7 देखने को मिलेगा, नई बुक में चैप्टर 5 मिलेगा। तो इसी के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे बच्चा कोई कंपार्टमेंट वाला हो या कोई बच्चा जो अभी से साइंस क्लास स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। ये सपोर्टिव मटेरियल है, इसमें काफी पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना 8 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर ये जो नोट्स हैं इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप बताओगे कि नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, मतलब 14वीं से 17वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आप बताओगे नगर बढ़ रहे थे, सभ्यता का विकास हो रहा था, कौन सी नगरी है, मतलब लोग शहर में रहने वाले काम का जैसे होते हैं, एक काम खुद करना बाकी काम बाहर से करवाना। तो इस तरीके से नगरीय सभ्यता विकसित हो रही थी। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। ये जो तीन इलाके हैं ना, कौन से, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, यहाँ पे कला और विद्या के केंद्र बने, मतलब दूर दूर से लोग सीखने के लिए आते थे। सुन रहे मेरी बात। राजाओं और चर्च ने नगर को कुछ स्वायत्तता दे दी। क्या दे दी? स्वायत्तता मतलब अधिकार दे दी। देखो, राजाओं और चर्च ने नगरों को अधिकार दे दी। पहले सिर्फ चर्च और राजाओं का राज चलता था ना, तो उन्होंने इनसे जो है कुछ अधिकार ले लिए। मतलब कहने का यह है कि इन्होंने राजा और चर्च से अधिकार ले लिया, यानी कि राजा और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दी, अधिकार दे दिए। और क्या क्या हमने देखने को यहां पर मिलता है कि 14वीं और 17वीं शताब्दी में, और हम पढ़ते हैं, देखो यहां पर हमें और ये जानने को मिलता है कि राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ सहायता दे दी थी, हमने पढ़ लिया। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। देख रहे हो, अमीर और अभिजात वर्ग जो कलाकार होते थे उनकी मदद करते थे। और छापे खाने का आविष्कार हो गया, तो इससे क्या हुआ, पुस्तकें मिलने लगी और आम लोगों से पढ़ने लग गए। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म को चुन सकता था। और पुस्तक छपने से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, यह विचार गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि जो चर्च वाले थे ना वो कह रहे थे कि पूरी जो धरती है ना उसका जो सेंटर है वो भूमध्य सागर है। बाद में ये गलत साबित हो गया। संगई लोगों में ज्ञान का प्रसार फैल गया, जो कुरीतियां थी ना वो दूर होने लगी, जो अंधविश्वास थे वो दूर होने लगे। फिर नेक्स्ट है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों, आखिर ईसाई धर्म में आपस में बहस क्यों हो गई और इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। देखो, ईसाई धर्म में जो अनावश्यक कर्म कांड थे ना, जो फालतू के जो कर्म के कांडों में लगे हुए थे, उनको त्यागने के लिए कहा गया। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया। उन्होंने बोला जो पुराने तरीके उससे ही मानो, और मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया और बोला गया कि मनुष्य स्वतंत्र होता है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है, उसे अपनी सोच से चलना चाहिए, दूसरों की सोच से नहीं चलना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है, वो अपना जीवन कैसे जीना चाहता है उसको पूरी आजादी है। अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, अगर मनुष्य गलत कर्म करेगा तो उसे गलत फल मिलेगा, उसे खुद फैसला करने दो और वो खुद उसे जीने दो। जो चर्च अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती थी ना, वो मना करने की बात की गई। और जो लोगों से पाप स्वीकारोक्ति पत्र लिखवाए जाते थे कि जो जो तुमने पाप के सारे कागज पर लिख दो और चर्च में जमा कर दो, तो इसकी आलोचना की गई भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। और फिर वो अमीरों को बेच देते थे वो कागज, और अमीर लोग पढ़ के मजे लेते थे। तो इस प्रकार की कुरूतियां थी, बुराइयां थी, और इसको मना किया गया, इसलिए चर्च में आपस में बहस वगैरह हो रही थी। और बाइबल का स्थानीय भाषा अनुवाद होने से लोगों को पता चला कि धन लूटने वाली प्रथा धर्म के अनुकूल नहीं है। और लोगों को पता चला जो चर्च के अंदर जो धन को लूटने वाली चीजें थी ना, वो धर्म के अनुकूल नहीं, वो गलत है, लोगों को गलत सिखाया जा रहा है। बाइबल में जो लिखे है उसके अकॉर्डिंग लोगों को मानना चाहिए, ना कि जो धन लूटने वाली चीजें उनको मानना चाहिए। तो ये चर्च के अंदर जो हमने देखा, ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद देखा, इसका परिणाम क्या हुआ, लोग जागरूक हो गए, क्या हो गए,
लोग जागरूक हो गए, लोग आम भाषा में जो बाइबिल उसको पढ़ने लगे, उनको सही गलत की पहचान होने लग गई। और क्या हुआ, चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया, ये परिणाम निकला। राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप से नाराज थे, ये भी हमें पता लगा। मतलब राजा भी नहीं चाहते थे कि चर्च उसके काम काज में दिक्कत पैदा करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करो। देखो एक महिलाओं की स्थिति वाला क्वेश्चन आते ही आता है, तो 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति कैसे थी। देखो ये 8 नंबर के लायक नहीं है, ये बहुत कम लिखा है, ठीक है, आपको और अच्छे से लिखना होगा। ये तो समरी के तौर पर मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, बाकी आप नोट देख लेना। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था, देख रहे हो। दहेज का प्रबंध ना होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। अगर दहेज नहीं दे पा रहे ना तो लड़कियां भिक्षुणी बन के रह जाएंगी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। व्यापारी परिवारों में, अब व्यापारी परिवार में जो अमीर घर के हैं उसमें महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य भी किए हैं। जो अमीर घर की थी ना महिलाएं, उनको बहुत अधिकार मिले, जैसे वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेले जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। ये एमसीक्यू में भी आता कि कौन सा महिला थी जिसने अपने पति की अनुपस्थिति में शासन किया था। तो मंटुआ दी मार्सिला इसाबेला दी इस्ते पूरा नाम है। अब हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं नोट्स में देखता हूँ। देखो अगर आपसे पूछेगा रेनेसा का क्या मतलब है, तो आप बताओ कि पुनर्जागरण, ठीक है। और अरबों ने प्लेटो को क्या बोला, अफलातून, और एरिस्टोटल को क्या बोला, अरस्तु। मार्टिन लूथर के समकालीन कौन थे, कॉपरनिक्स। और कॉपरनिक्स ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो जितनी और जितने भी ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं। और लियोनार्डो द विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसने दो सबसे ज्यादा फेमस, इसकी जो फोटो है ये तस्वीर है वो है, एक है मोनालिसा और दूसरी द लास्ट सपर। और ये इतना इंटेलिजेंट था, इसको वनस्पति विज्ञान, इसको शरीर रचना विज्ञान, इसको गणित शास्त्र, इसको कला बहुत अच्छे से आते थे। इसलिए इसकी दो रचना सबसे ज्यादा फेमस है, दो चित्र सबसे ज्यादा फेमस है, मोनालिसा। एग्जाम में चित्र बनाएगा आपको नाम बताना पड़ेगा, तो चित्र देख लेना इसका, मोनालिसा का, और द लास्ट सफर को देख लेना। और जर्मनी निवासी जॉन शूटेनबर्ग ने सबसे पहले छापेखाने का आविष्कार किया। उसने सबसे पहले बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी, 150 फोटोग्राफ। देखिए अब आगे सुनिए, जो गैलीलियो है ना उसने मतलब बहुत महानता का काम किया था। उसने दूरबीन का आविष्कार करा था और खगोल शास्त्र के बारे में अनेक रहस्य सुलझा दिए। मतलब अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें हैं, जैसे धरती चक्कर लगाती है ना सूरज का, तो सच साबित कर दिया दूरबीन से। ऐसे बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। मतलब इटली के नगर इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ गया, तो वो सारा व्यापार इटली से होकर जाना पड़ता था, इसलिए इटली के नगर डेवलप होने लगे, समझ रहे हो। ऐसे स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लॉयला ने सन 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक एक संस्था की स्थापना की। मोस्ट मोटा क्वेश्चन है, स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लॉयला ने सन 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना करी, ये याद रखना। अब जैसे क्वेश्चन है, द लास्ट सफर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे, लियोनार्डो विंची थे। गुटेनबर्ग ने जो किताब छापी थी पहली वो कौन सी थी, बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी, ठीक है। और कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया अभियान प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया खा। फिर कॉपरनिक ने क्या सिद्ध किया कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। सोसाइटी ऑफ जीसस क्या था, कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था। देखो यहां पर हमने देखा था ना, ये स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लॉयला ने सन 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी, तो सुधार करने के लिए। फिर जेसुइट कौन थे, ये सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे। और मार्टिन लूथर कहाँ के निवासी थे, जर्मनी के थे। और द पाइटर नामक जो कृति है किसने लिखी है, माइकल एंजेलो ने लिखी है। और ये पैदा हुए थे 1475 में, कहाँ बनाई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताना।
ठीक है, जैसे जितने भी है ना, ये सारे के सारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ये जितने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है सारे एक बार पढ़ लो, इनको अच्छे से देख लो। अब इसमें थोड़ा मैं यहाँ पे आपको नोट दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें कहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ पढ़ दूंगा कुछ आप देख लेना। 14वीं शताब्दी इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या थे? जैसे अगर मुझे 14वीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास के बारे में जानना है, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? देखो, आप कोई भी अगर आएगा ना, अगर मुझे इतिहास के बारे में जानना है, तो आप लिख दोगे उस समय की जो दस्तावेज होते हैं, मूर्तियां होती हैं, जो भवन होते हैं, जो कच्ची सामग्री होती है, ऐसे बना बना के आप लिख दो, ठीक है। जैसे अब आपने पढ़ा है, तो आप बता दोगे कि जो अमेरिका में जो अभिलेखागार मिले हैं, जो ठीक है, जो बने हुए हैं रिसर्च करके, उसमें सारा सामान रखा हुआ है, संग्रहालय बने हुए हैं, मुद्रित पुस्तकें, छपी हुई किताबें, उनसे हमें पता लगेगा। पॉइंट्स में लिख देना, पैरा में मत लिखना। रेनेसा का क्या मतलब होता है? आप बता देना, पुनर्जन्म होता है, नया जन्म, ये रहा ना। रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, ठीक है, सांस्कृतिक बदलाव का काल, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा ना, सांस्कृतिक बदलाव का काल का क्या अर्थ है, तो रेनेसा मतलब है, ठीक है। तो ये कह रहे, बर्कहार्ट ने 14वीं 17वीं शताब्दी तक इटली में पनप रही मानवतावादी संस्कृति के बारे में क्या लिखा? बताओ, बर्कहार्ट ने क्या बताया 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में, क्या क्या उसने मानवतावादी बातें देखी? देखो, 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द या दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको जो है ये जो पढ़ाया ना, इसको भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, सुन रहे मेरी बात? अच्छे से एक चीज आपको करनी है, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनेसा इन इटली नाम पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने बारे में बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि मानव अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। मेन बात आप ये बता देना, मानवतावादी संस्कृति के बारे में उन्होंने बोला कि मनुष्य विवेकशील है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता, ठीक है, बस इतना बहुत है इसमें। ये कह रहे, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण है? पता, यूरोप में पुनर्जागरण क्यों आया? यूरोप में क्यों आया पुनर्जागरण, बताओ? एक तो धर्मयुद्ध की वजह से, तो 1095 और 1291 के बीच में पश्चिम यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर में मुस्लिम शहरों के खिलाफ, जो मुस्लिम लोग लिख देना या मुस्लिम इलाके लिख देना, के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और अनेक युद्ध लड़े। धर्म का युद्ध था, इन लड़ाइयों को बाद में धर्मयुद्ध का नाम दिया गया। तो अगर एग्जाम में आ रहे धर्म युद्ध क्या था, तो बताओ, तो आप बताओगे 1095 और 1291 के बीच में जो ईसाई जो थे पश्चिम यूरोपीय ईसाई, और जो पूर्वी भूमध्य सागर में मुस्लिम शहर थे, उनमें जो लड़ाई हुई उसे धर्म युद्ध कहा गया, ठीक है। तो और क्या कारण था कि यूरोप में पुनर्जागरण क्यों आया? एक तो धर्म युद्ध की वजह से, दूसरा सामंतवाद की वजह से। किसकी वजह से? सामंतवाद की वजह से, क्योंकि वो खत्म होने लगा, उसका नए राज्य का उदय हो गया, सामंतवाद खत्म होने लगा, और नई खोजें, वैज्ञानिक खोज आगे, नई नई रिसर्च हो गई, तो लोगों को मतलब नई चीजों के बारे में विश्वास होने लगा, नई नई चीजों के बारे में पता लगा, तो पुनर्जागरण बढ़ता चला गया। और छापेखाने का आविष्कार, आपको पता ना छापेखाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने 150 प्रतियां छापी थी, बस इतना लिख लेना। और तुर्की का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार और नए नगरों का विकास होना, ये हेडिंग लिख देना। देखो, एक बात सुनो, अगर जैसे 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो आप 4 पॉइंट बड़े बड़े बता दो, 2 पॉइंट छोटे छोटे लिख लो, अगर लिखने आता तो, नहीं तो 4 पॉइंट ही बता सकते हो, ठीक है, सुन रहे मेरी बात? या अगर 4 नंबर का आता छोटे छोटे लिखोगे, तो 8 लिखने पड़ेंगे छोटे छोटे। तो इस तरीके से चर्च का प्रभाव कम होना, चर्च की शक्ति कम हो गई और मानवतावाद का उदय हो गया। फिर आगे देखते हैं, तो ये कह रहा है कि जो पादुआ है और जो बोलोनिया है विश्वविद्यालय, वो अध्ययन के केंद्र क्यों बन गए? क्योंकि तो आप अपने आप बना के यहाँ पे लिख सकते हो कि यहीं पर जो व्यापार वाणिज्य के केंद्र बने हुए थे, और यहाँ पर विद्वान जो लोग थे, और अनेक प्रकार का विकास जो यहीं पर हुआ, तो यहाँ पर नियमों को लिखना शुरू किया गया, तो वो उस नियमों को आगे तक तो पहुँचाया गया, तो फिर यहीं पर लोग ज्ञान हासिल करने के लिए आने लगे, और ये मुख्य रूप से 2 बड़े केंद्र बनकर दुनिया के सामने आने लगे। बना बना के लिख देना, बाकी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मानवतावादी शब्द का प्रयोग किन के लिए हुआ, बताओ?
मानवतावादी शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ? तो मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग हुआ जो व्याकरण, अलंकार, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र के विषय पढ़ाते थे। समझ आ गया? किनको मानवतावादी अध्यापक कहा गया? जो कविता पढ़ा रहे हैं, जो अलंकार शास्त्र पढ़ा रहे हैं, जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो नीति दर्शन पढ़ा रहे हैं ये। क्योंकि देखो, इससे पहले कहते थे धर्म धर्म धर्म, उसी के बारे में लोग जानते थे। बाद में आया कि मनुष्य को अपने जीवन को आसान करने के लिए ना उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, नई नई चीजों की खोज करनी पड़ेगी। इंसान को ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया, उससे अपना जीवन कैसे जीना वो इसी समय इस संसार में ढूंढना पड़ेगा। जितनी वो मेहनत करेगा, जितनी नई चीजों की रिसर्च करेगा, वो अपना जीवन और आसान करेगा, इसलिए विषय आने लग गए। देखो नेक्स्ट है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो आप बताना, यहाँ पर विश्वविद्यालय बने थे और ये इतने ज्यादा फेमस हुए कि दूर दूर के लोगों का संपर्क इससे बढ़ गया। इसमें दो व्यक्तियों का मुख्य हाथ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थे जोटो और दूसरे थे दांते, ये याद रखना। अगर आपसे पूछेगा रेनेसा व्यक्ति किन्हें कहते हैं, तो आप बताओगे रेनेसा व्यक्ति उन्हें कहा जाता था जो किसी ना किसी चीज में महारत हासिल करे हुए थे, जिनको हुनर था, जो किसी कला में, किसी नॉलेज में बहुत ज्यादा अव्वल थे, कूटनीतिज्ञ थे, विद्वान थे, धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा नॉलेज थी, या कलाकार थे। तो ऐसे लोगों को रेनेसा व्यक्ति कहा गया। ठीक है, बाकी अब ये क्वेश्चन थोड़े बहुत देखना चाहो देख सकते हैं। अब एक आधा जिसमें और इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ा देते हैं। तो मानवतावाद का मतलब तो आपको समझ में आ गया ना क्या है? मतलब मनुष्य के लिए काम करना, मनुष्य विवेकशील रूप से काम करे, और इसके अंदर नीति शास्त्र, इतिहास, कला, इसके ऊपर जोर दिया गया, और इसी के लिए जो विश्वविद्यालय वगैरह खुलने लगे। और ये हमने इसमें सपोर्ट में भी देखा था कि मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। ये याद रखना, जब मानवतावादी के बारे में आना, ये याद रखना मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। उसे मेहनत करनी पड़ेगी, नई नई चीजों की रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो कैसे जीवन जिएगा ये उसको इसी जीवन में निश्चित करना पड़ेगा। और मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को जकड़ के रखा हुआ है और वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। तो यूनान और रोमन वास्तुओं का समस्त ज्ञान उसके दिमाग से निकल गया, तो वो चाहते थे कि वापस ये ज्ञान आना चाहिए और वो अपनी तरक्की करें और आगे बढ़ जाए। समझ आई? अच्छा, वे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ किया, मतलब शरीर की चीरफाड़ करी? तो बेल्जियम मूल के आंड्रियस वैसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। बेल्जियम मूल के आंड्रियस वैसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। तो आंड्रियस वैसेलियस के बारे में याद रखना, ये ही थे जिन्होंने चीरफाड़ करी थी मनुष्य की, और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंदर क्या क्या है, और फिर तब से फिर मनुष्य की रिसर्च वगैरह चालू हो गई और कई प्रकार की बीमारियों से इंसान को निजात मिलने लगी। अच्छा, लियोनार्डो दा विंची का क्या सपना था? लियोनार्डो दा विंची का सपना था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़ान मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा था, मतलब उसका नाम रखा था। ठीक है, और यथार्थवाद किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यथार्थवाद बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? तो शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य की आकृष्ट भावना आपके सब्जेक्ट है ना, जैसे फिजिक्स वगैरह होती है, केमिस्ट्री वगैरह होती है, जो ज्योमेट्री होती है ना, तो बायोलॉजी वगैरह होती है, और सुंदरता मतलब ब्यूटी वगैरह, ब्यूटी एंड वेलनेस होती है ना, तो इसकी भावना मतलब ये डेवलप हो, ये चीज डेवलप हो। ठीक है, इतावली कला का नया रूप दिया गया, इसे यथार्थवाद कहा गया। मतलब इन चीजों पर ध्यान हो, ये चीजें बने, इसे यथार्थवाद कहा गया। ठीक है, फिर पूर्ण जागरण का आप इसमें मतलब ये पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। फिर आ जाओ, रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पुनर्जागरण पुरुष उसे कहा जाता है जिसके अंदर अन्य कौशल हो या लोगों का हित करता हो, मतलब जिसमें कोई स्किल हो, नॉलेज हो। ये आपको मैं बता सकूं, यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली लोगों को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। ये जो इतावली कला जो डेवलप हुई ना, ये रेखागणित, भौतिक और ये सुंदरता से, इसी को बोला गया।
पार्टा नामक कृति किसने और कहाँ बनाई? द पार्टा चित्र में माइकल एंजिलो ने बनाई थी, जो कि सेंट पीटर की बेसिलिका में स्थित है। बेसिलिका में, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना अभी, तो ये क्योंकि अब आगे सुनो, न्यू टेस्टामेंट क्या है? न्यू टेस्टामेंट मोस्ट मोड क्वेश्चन है। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। सुन रहे हो? फैदेल ने मार्चिसा इसाबेल द इस्ते का वर्णन किस रूप में किया? मैंने आपको अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाया था ना, महिलाओं के बारे में बताओ। तो मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य प्रशासन के ये बताया। तो ये लिख देना। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और क्यों हुई? ईसाई धर्म को विवाद के पश्चात प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए पादरी इग्रेशियास लोयला ने 1540 में स्पेन में द सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाते हैं। इसका उद्देश्य निर्धनों की सेवा करना और संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना। देखो, ये इस आंसर में बहुत सारे आंसर आ गए। जैसे मैंने आपको ये बताया था, स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयला ने, ठीक है, ये इग्नेशियस लोयला, ठीक है, यहाँ पे देखो, ने सन 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी कहलाते हैं। और कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया अभियान प्रोटेस्टेंट सुधारवाद था। और सोसाइटी ऑफ जीसस क्या है? कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था। तो इसी में देखो, बहुत सारे हमारे आंसर यहाँ पर इसी में कवर हो गया, ठीक है। बाकी मानवतावादी विचार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसमें मतलब मानव धर्म की बात की गई है, ठीक है। ईश्वर के लिए ही ना होकर अपने लिए भी हमें मतलब काम करना है, मनुष्य को अपने जीवन में सुधार करना है, ठीक है। तो मानवतावादी विचारधारा, इसमें कौन कौन से विषय वगैरह थे आप बना बना के इसमें लिख देना, जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी ये भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसमें मानवतावादी विचारों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इटली के नगरों में पुनरुत्थान के क्या कारण, मतलब इटली का नगर इतना डेवलप क्यों हो गया? मैंने आपको भी शॉर्ट में जैसे दिखाया था कि इटली का नगर का जो पुनरुत्थान, एक तो ये बता देना पॉइंट कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। बाकी यार और पॉइंट बता देना कि इस्लाम द्वारा एक सारी सभ्यता का निर्माण किया गया। रोम का पोप रोम में प्रसिद्धि था, मतलब प्रसिद्ध था, लेकिन यूरोप की राजनीति में कमजोर था। यहाँ प्रसिद्ध कर लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, वो आप पढ़ के थोड़ा ठीक कर लेना। और पश्चिम यूरोप में सीमांत संबंध के कारण नया रूप ले रहे थे, और पूर्वी यूरोप में सीमांत संबंधी के कारण नया रूप ले रहे थे। तो इस तरीके से दो चार पॉइंट से पढ़े थे। बाइजेंटाइन वाला तो आप सबसे पहले बता देना, और ये बता देना कि पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। ये आला पॉइंट जरूर बता देना, तीन चार पॉइंट याद कर लो। फिर कह रहे मुद्रण जब आई, मुद्रण जब आई, छपाई आई, तो इसका क्या फायदा हुआ? पुस्तक सस्ती मिलने लगी, आम लोग इसे पढ़ने लग गए, उन्हें सही गलत की पहचान पता लगने लगी, उसे ईसाई धर्म में सुधार करने में मदद मिल गई, ठीक है। मार्टिन लूथर ने बोला कि ईश्वर की महानतम देन है, जो मॉडर्न संस्कृति है ना, ईश्वर की महानतम देन है, और इससे जो ईसाई धर्म है जो उसमें काफी सुधार होने में मदद मिली। महिलाओं की स्थिति में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो गरीब थी तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा उन्हें अन्याय अत्याचार सहने पड़ते थे, उन्हें शिक्षा वगैरह नहीं मिलती थी। लेकिन जो अमीर महिलाएं, उनको व्यापार करना, उनको दुकान पे बैठना, बहुत ज्यादा उन्हें फैसिलिटी मिलती थी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ना एग्जाम में महिला वाला आया हुआ, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब इसके बारे में कर दिया है। और इसमें मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते के बारे में बता रहा हूँ, उसकी पिक्चर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में इस औरत की पिक्चर बने थे, नाम पूछे थे इस औरत का नाम क्या है, ठीक है। फिर मार्टिन लूथर कौन थे और उन्होंने मतलब किस तरीके से पोप का विद्रोह किया? तो देखो, इसमें बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट नाम सुधारात्मक जर्मन आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हुए, जर्मनी के थे वो, ठीक है। धर्मशास्त्री और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, पादरी, चर्च सुधारक, इतने सारे थे वो, इतने सारे काम करते थे उन्होंने। यूरोप के विकास में धर्म में सुधार करने के लिए बहुत सारे काम करे उन्होंने। प्रिंटिंग को भी बोला कि ईश्वर की महानतम देन है, और चर्च में सुधार करने के लिए काफी उन्होंने काम करा। और देखो क्या क्या करा, पादरियों का भोग विलास का जीवन उन्होंने बताया कि पादरी सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और अपने पदों को बेचते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, पाप कारकृति पत्र, पता ना,
पाप स्वीकार करती पत्र क्या होता है, इसमें लोगों से पाप लिखवाए जाते थे और फिर उसको दूसरे लोगों को भेज दिया जाता था। तो ये इसने मार्टिन लूथर ने बताया, उन्होंने बोला कि लोगों से जबरदस्ती कर वसूला जाता है, ठीक है, तो ये गलत है, अन्यायपूर्ण है। तो इस तरीके से ये है। बाकी आप थोड़े बहुत ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसा रहा ये जो है अभी पूरी वीडियो की जर्नी, आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत दिखाता हूँ, ईसा पहले इससे कौन थी, माइंड टू, मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एक एक बार मैंने आपको समझा दिए हैं, फिर भी आप ये देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। तो डियर देखो वही घुमा के आ रहे हैं, जयसुट कौन थे। तो अब जैसे क्वेश्चन आंसर में से, क्वेश्चन क्वेश्चन में से आंसर वगैरह आपको दे सकते हैं, तो आपको जैसे जयसुट कौन थे तो बता दो कि सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे, ठीक है, और फिर सोसाइटी ऑफ जीसस के बारे में बता दे रहे हैं, जिन्होंने कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई एक संस्था थी। इस तरीके से थोड़ा उसी में से बताते रहोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कॉपरनिकस कौन था, जिन्होंने क्या नाम है, धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और ईसाइयों का विश्वास कि पृथ्वी के पापों से भरी हुई पृथ्वी रुक गई है, मतलब लोग इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं कि धरती रुकी हुई है। तो कॉपरनिकस ने बोला ऐसा नहीं है, धरती कोई नहीं रुकी हुई, धरती चक्कर लगाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉपरनिकस के बारे में पूछ लेता, तो आप ये आंसर जरूर बता देना। तो डियर कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर साल डियर स्टूडेंट। मैंने दो तीन चैप्टर बना दिए, और कौन से चैप्टर चाहते हैं कमेंट करके बताएं।